Welcome to my YouTube channel, Matt's Brainstorm. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन स्टोर में। आज हम बात करेंगे आयलर ऑस्टोग्रेट की इक्वेशन में सेकंड कंडीशन है। इसके पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने बताया है। इस वीडियो में आज हम बताएंगे सेकंड कंडीशन, सिस्टम ऑफ आयलर ऑस्टोग्रेट की इक्वेशन फॉर स्टर्माइजिंग द फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन में स्टर्माइजिंग के लिए आयलर ऑस्टोग्रेट की इक्वेशन का क्या है, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, इसमें यह कहता है कि अगर आई है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फंक्शन x1 x2 xn तक है, जबकि x एक सिंगल वेरिएबल है, लेकिन एक ही वेरिएबल कहां तक है दोस्तों, n तक है। तो इसके लिए उसने आयलर ऑस्टोग्रेट की इक्वेशन के द्वारा थ्रू बनाया गया है कि इसमें जो इंटीग्रेशन होगा डोमेन डी के अंदर, तो वो भी क्या होगा, उतने ही टाइम्स किए जाएंगे, और इसका जो फंक्शन क्रिएट होगा तो ये x1 x2 और xn ये होगा, साथ में z1 होगा, दूसरा है p1 p2 pn, इसके बाद dx1 dx2 dxn, ये इसकी कंडीशन है। वेयर p1 pi इक्वल टू del z upon del xi is given by, or del f upon del z equal to summation I equal to 1 to n क्या होगा, del upon del xi सबस्क्रिप्ट में है, और del f upon del pi इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड होगा, जो कि फर्स्ट वीडियो में हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बता दिए थे। तो इस तरह से हम del f upon del z को फाइंड करेंगे, और pi की वैल्यू ये होगी, I के प्लेस में हम रखते जाएंगे 1 2 3 up to n तक, तो हमें वैल्यू मिलती जाएगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों, ये तो सिस्टम ऑफ आयलर ऑस्टोग्रेट की इक्वेशन सिर्फ स्टर्माइजिंग के लिए है कि कोई फंक्शन दिया है उसका स्टर्माइजिंग कैसे, ये सेकंड कंडीशन है स्टर्माइजिंग। इसके फर्स्ट पहली कंडीशन क्या थी, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें से कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके लिए हमने बताया था। इस वीडियो में हमने बताया है स्टर्माइजिंग के लिए आयलर ऑस्टोग्रेट की इक्वेशन के लिए। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे ये कहता है, ऑब्टेन द आयलर ऑस्टोग्रेट इसकी इक्वेशन फॉर आई, और ये क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई
z is equal to ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब वॉल्यूम के लिए है ये, ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर और इस तरह से डी एक्स डी वाई डी जेड, जिसमें से आपने सरफेस एरिया ऑफ सरफेस वॉल्यूम मल्टीपल इंटीग्रल बीएससी में पढ़े भी हैं, उसी तरह से इसमें वॉल्यूम के लिए इसने इस तरह के फार्मूले को रखा है। वेयर द वैल्यूज ऑफ यू, वेयर द values of u are prescribed prescribed on the boundary c of the often domain D का जो बाउंड्री C है उस पर क्या किया है, U को क्या किया गया है, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन है लेट P1 इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, P2 इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया, P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड हो गया, देन द गिवन फंक्शनल कैन बी रिटन एज IUxyz is equal to integration D में है डोमेन P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर dx dy और dz। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर है, जबकि इसको हमने P1, इसको P2 और इसको P3 मान के चला है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकंड कंडीशन इसके आगे है, सेकंड स्टेप में कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये डोमेन DF और xyz, इसके बाद u और p1 p2 p3 dx dy dz से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे। तो क्या होगा, नाउ वी गेट f x y z u p1 p2 p3 is equal to p1 square p2 square p3 square equation second। इसके बाद Now by using system of Euler-Astrogradsky
equation we have अब होगा del f upon del u minus del upon del x, इसके बाद del f upon del p1 minus del upon del y del f upon del p2 minus del upon del z del f upon del p3 equal to 0। ये क्या है आयलर आस्टोग्रेट्स की ग्रेट्स की इक्वेशन जो कि स्टर्माइजिंग के लिए है। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट डेल एफ अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसके पीछे हम पेज में बता चुके हैं। इसके बाद है डेल एफ डेल अपॉन डेल एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, पी वन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टू पी वन माइनस डेल अपॉन डेल वाई। तो दोस्तों यहां पी टू स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू पी टू हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड। इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टू पी थ्री हो जाएगा, तो टू पी थ्री इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। दिस इंप्लाइज दैट ये पार्ट तो जीरो ही हो गया है, तो क्या होगा इसमें दोस्तों, डेल अपॉन डेल एक्स ये तो टू टू टू, तो इधर तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहां पर टू डेल अपॉन डेल एक्स पी वन, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये टू बाहर कर लेते हैं, और ये पी टू प्लस टू डेल अपॉन डेल जेड, और ये पी थ्री इज इक्वल टू जीरो। टू को तो हम साइड कर देंगे, इसके अपान में डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, पी वन की वैल्यू क्या होती, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स बचेगा, और यहां डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो कि ये सिर्फ क्या है, आयलर आस्टोग्रेट्स की इक्वेशन ओनली फॉर स्टर्माइजिंग कंडीशन। इसके बाद है हम थर्ड कंडीशन नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों डालेंगे, और वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आयलर आस्टोग्रेट्स की इक्वेशन फॉर स्टर्माइजिंग द फंक्शनल कंटेनिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हम नेक्स्ट वीडियो पर डालेंगे, कंडीशन थर्ड होगी। आज इतना ही दोस्तों, बस लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नई वीडियो आप तक पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।